और दोस्तों देख सकते हैं पकड़े में भी। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपको हमारा तालीम पूरे स्नैक्स और यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आए हुए हैं तीन सांप को जंगल में छोड़ने के लिए। तो दोस्तों पानी में छोड़ने के बाद एक वीडियो आपको बनाए हुए थे जिसमें पानी में पनियाला सांप डुबकी मार के अंदर से बाहर निकल गया, ठीक है। तो दोस्तों अब जो है साखर सांप और धामन सांप को छोड़ेंगे, ठीक है, पानी में, और उसे नज़ारा दिखाएंगे कि कैसा है। अभी हम दिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले सांप को छोड़ते हैं पानी में और दिखाते हैं क्या रिएक्ट होता है। तो दोस्तों बिना जहर का सांप होता है, इसलिए इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और दोस्तों आप देख सकते हैं कितना अद्भुत नज़ारा है। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा, जैसे ही उस सांप को निकाले हैं वैसे ही तैर करके बाहर की तरफ निकल गया है, क्योंकि दोस्तों वो पानी वाला सांप नहीं था। पानी वाला सांप नीचे से भी, पानी के अंदर से भी डुबकी मार के निकल जाता है, लेकिन जो अन्य सांप होता है वो तैर करके नहीं निकलता है। थोड़ा देर के लिए अंदर डुबकी मार सकता है, लेकिन ज़्यादा करके तैर के ही निकलता है। तो चलिए, एक ये वाला सांप है जिसको साखर बोलते हैं दोस्तों। दोस्तों इसको साखर सांप बोलते हैं, बिना जहर का सांप होता है और काफ़ी तेज़ी से उछल कूद कर रहा है, ठीक है। तो जैसा कि हम जानते हैं इस सांप में जहर नहीं होता है, लेकिन उछल कूद भी काफ़ी तेज़ी से करता है, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों देख सकते हैं पंजा को जो कर लिया है। तो चलिए दोस्तों छोड़ते हैं सांप को। और दोस्तों देख सकते हैं कितना मस्ती में जा रहा है। तो दोस्तों देख सकते हैं यह काटने का प्रयास कर रहा है और एक बार काट भी लिया है। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर भी काट लिया और इस तरह से यहाँ पर भी काट रहा है। काटता बहुत तेजी से है, लेकिन बिना जहर का सांप होता है दोस्तों।
लिख सकते हैं दोस्तों। लगातार काट रहा है, बेच। चलिए दोस्तों इसको भी हम छोड़ते हैं जंगल में। तो दोस्तों देख सकते हैं ये जो है ऊपर की तरफ ही आ रहा है, और देख सकते हैं ये रहा है? ये रहा है? ये रहा ये रहा हेलो। अब इसे सॉ